वो नहीं हुई। स्टार्ट है। चलिए, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। अटेंशन, लुक ऑन द बोर्ड। टुडे आवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट में न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, वो यहाँ देख लें। दोनों जगह के न्यूमेरिकल्स भी सिमिलर होंगे। जिस तरह से थ्योरी सिमिलर, फॉर्मूला सिमिलर, तो न्यूमेरिकल्स भी सिमिलर ही होंगे। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स कल मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था, तीन ऑब्जेक्टिव कल दिया था, एक होमवर्क भी था आप लोगों का। इसको हम थ्योरेटिकली कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी दोनों जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी हो सकता है या मैग्नेटिक से। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के जगह पे चार्ज दे दिया जाए, तब आपसे पूछा जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों का आंसर सेम होगा, चाहे मैग्नेटिक फोर्स रहे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहे, दोनों में सेम ही आंसर होगा, सेम ही प्रोसेस होगा, सिर्फ थोड़ा सा आप फॉर्मूला चेंज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन लीजिए और गिवन लिखते हैं। गिवन में आपको फोर्स का फॉर्मूला अपने से पुट करना है। मैग्नेटिक फोर्स का चूंकि कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला बैठाएं आप, के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इसको आप एफ वन बोल दें। अब एफ टू में क्या कीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। इच मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बिकम्स फोर टाइम्स, दोनों को फोर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4m1, 4m2, और डिस्टेंस का रहा है 1/4, 1/4, इस पे होल स्क्वायर होगा। ये ऊपर कितना आया, 16k m1 m2 by r स्क्वायर by 16, ये 16 भी ऊपर जाएगा, 16 × 16 हो जाएगा k m1 m2 by r स्क्वायर। और इस पूरे को देखिए क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, एक ये तो 256 हो गया, और इस पूरे को देखिए मिलाइए फर्स्ट से, या यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से कंपेयर किया जाए। F2 अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे रह गया, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, F1, ये आंसर हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे हेंस मैग्नेटिक फोर्स becomes हो जाएगा 256 times of initial। परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन जो है, एक अगर 10 से कम हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो मैंने डायरेक्ट बताया डबल कर दीजिए, लेकिन 10 से ज्यादा हो तो उसमें कैसे बनाएंगे परसेंटेज वाला क्वेश्चन। जैसे कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स बिकम्स डबल, डबल हो गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन फाइंड आउट या कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फोर्स, कितना परसेंट का चेंजिंग आएगा मैग्नेटिक फोर्स में, कितने परसेंट का चेंजिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है, दो पोल्स के बीच की दूरी क्या हो रही है, डबल हो रही है, क्या हो रही है, डबल। व्हाट विल बी चेंज इन परसेंटेज चेंज, चेंज नहीं आते हैं, अब परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है इन मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग सॉल्यूशन के बाद गिवन लिखे, गिवन तो कुछ है मैं, आप गिवन तो नहीं दिया हुआ इसमें, मान लीजिए R1, लेट R1 इज R, R2 में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 2R, क्या लिख सकते हैं, R1 R रहा तो R2 क्या होगा, 2R होगा। अब F2 बाई F1 को क्या लिख सकते हो, बोलो बाबू, R1 by R2 का होल स्क्वायर,
डिस्टेंस बदले तो ये फॉर्मूला लगाइए, आर वन आर है, आर टू डबल हो चुका था, टू आर वन बाई फोर हो जाएगा। एफ टू कितना होगा, वन बाई फोर एफ वन। तो फोर्स बढ़ा या घटा, इतना देर लगेगा हाँ? बड़ा कौन बोला जी बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स बढ़ जाएगा, घटेगा ये क्या होगा जी? ऐसे भी देखो वन बाई हो गया फोर, वन बाई फोर हो गया, अभी तो इतना कंसेप्ट नहीं बना है कि डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घट जाएगा, घटेगा ही नहीं, तेजी से घटेगा, उसमें सब चुप हैं आप लोग। यहाँ भी नहीं दिखा रहा, दिखाया जा रहा है वन बाई फोर हो गया, नहीं हो गया वन बाई फोर, फोर्स बढ़ा या घटा, फोर्स में क्या हुआ डिक्रीजमेंट हुआ, तो डिक्रीजमेंट इन फोर्स क्या हुआ, कितना घटेगा ये निकालना पड़ेगा, डिक्रीजमेंट इन फोर्स। डिक्रीजमेंट कैसे निकालते हैं याद है किसी को, क्या करेंगे डिक्रीजमेंट निकालने के लिए, एफ टू माइनस एफ वन या एफ वन माइनस एफ टू, महान है आप लोग, एफ वन माइनस एफ टू करेंगे, क्या करेंगे एफ वन, अरे कल आपके पास 1000 रुपया था, आज आपके पास बच गया 750 रुपया, कितना बचा, कल था 1000 आज है 750 रुपये, अरे छपाई में रहो ना, जवाब क्या दोगे, अभी वो बोल रहा है एफ टू माइनस एफ वन बोलता है, कितना घटा, 1000 में घटाओगे 750 को, 750 में 1000 घटाओगे, एफ वन माइनस एफ टू करेंगे, एफ टू माइनस एफ वन करेंगे, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों के पास, छापने में कितना उस्ताद सर है, अपने को तेज समझता है बुद्धू सब, एफ वन ना एफ टू की जगह पे क्या डाल दो, एफ वन बाई फोर, एफ वन बाई फोर ना हो जाएगा, एलसीएम ले लो कितना आएगा, फोर फोर एफ वन माइनस एफ वन क्या हुआ, थ्री एफ वन बाई फोर, कोई प्रॉब्लम? तो परसेंटेज डिक्रीजमेंट क्या होगा, डिक्रीजमेंट इन फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्या फॉर्मूला होगा, डिक्रीजमेंट इन 200 बाय इनिशियल, यही इंक्रीजमेंट होता, अगर अगर मान लेते हैं दूरी घटने बढ़ने के बजाय घट जाता तो हमारा इंक्रीजमेंट होता, तब आप करते एफ टू माइनस एफ वन। डिक्रीजमेंट में क्या था, शुरू में पहले होता है ज्यादा बड़ा होता है और बाद में कम है, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं, आप लोग छोटे में से बड़ा घटाना चाह रहे हैं, यही इंक्रीजमेंट होता तब एफ टू माइनस एफ वन होता। इतना भी मैथ नहीं बनाया बचपन में लगता है परसेंटेज वाला क्वेश्चन, परसेंटेज डिक्रीजमेंट का फॉर्मूला, डिक्रीजमेंट इन 200 बाय इनिशियल, डिक्रीजमेंट कितना निकला, 3f1 बाय 4 इन 200 बाय f1, इनिशियल मतलब शुरू वाला, शुरू वाला क्या f1 है, कैंसिल, कितना है 75%, कोई प्रॉब्लम, बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टेट में भी है यहाँ भी है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इच वर्टेक्स कंटेन इक्वल मैग्नेटिक पोल, देन फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स ऑन वन एंड पोल लाई एट इट्स सेंटर, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन एंड पोल लाई एट सेंटर, लाई एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज,
ये सेंटर पे वन एंड पोल है, इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा जल्दी से निकाल के दिखाओ। नहीं पहले लिख लो फिर, हाँ एक तरफ से करो। लाइट पोल बीच पे नीचे है, एक को इधर निकल करेगा। इसको आप एफ वन मान लें, एग्जाम भी देते हैं पॉइंट वर्टेक्स का, इसी को ये इधर निकल करेगा। इसको मान लीजिए ये इधर निकल करेगा, इसको मान लीजिए ये एफ वन है, ये एंगल को अल्फा मान लीजिए, सामने वाले एंगल को बीटा मान लीजिए, बराबर होगी। अपोज स्ट्रेंथ भी देखिए सब जगह बराबर है, दूरी बराबर, पोल स्ट्रेंथ बराबर। असरा क्या छाप रहे बाबू, पहले समझो, क्या समझने वाला क्वेश्चन है और छपाई में मन व्यस्त है, सिर्फ छापने आते हैं। जब इस तरह का कंडीशन हो जाए, जब फोर्स का दामियांगी के ट्वेल्थ का लेवल के वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लैनीज थ्योरम बोलते हैं, लैनीज थ्योरम एस रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो। इसी तरह का अगर एक क्वेश्चन हो, एक स्क्वायर हो, इलेक्ट्रोस्टेट में भी देखिएगा एंथनी मिश्रा का क्वेश्चन बड़ा पड़ा है, सिवन पे इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, और इसके सेंटर पे कहा जाएगा वन इन पोल है, इलेक्ट्रिस्टिक में चार्ज होगा और यहाँ प्लस वन चार्ज होगा, क्या कोई भी यहाँ पे हो सकता है, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स या नेट फोर्स ऑन वन इन पोल कितना लगेगा इस वन इनपुट पर, वो आपको निकालना है, बनेगा कितना अंदर होगा, कितना लेकिन प्रोसेस के साथ बना के लाना कंपल्सरी होमवर्क। आपको पता है ना ऑफिस का टाइम चेंज हो गया है, 1 बजे और फिर शाम के 7 बजे, ये दो टाइम में ऑफिस हो रहा है, सब लोगों को 1 बजे ही आना, ठीक है, धन्यवाद।